बिग बॉस ओटीटी लाइव में अब आपको बता दूं कि घर के वेल अंदर चल रहे हैं वेल जाम पे चर्चा, यानी कि दारू की जोरदार बातें चल रही हैं घर के अंदर, क्योंकि हो रही है बारिश और बारिश में जाम ना हो तो इस पर कंटेस्टेंट्स कहीं ना कहीं जाम को कर रहे हैं याद। क्या है पूरी खबर, चलिए बताऊंगी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। वेल गाइस, बेसिकली जब भी बारिश होती है, बारिश के टाइम पे हमें पकौड़े याद आते हैं, पकौड़ों के साथ साथ एक बेहतरीन चाय याद आती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, यानी जैसे भी प्राणी हैं इस धरती पर, जिन्हें बारिश के मौसम में विस्की, बियर, जाम, शाम, यही सब याद आती है। बस ऐसा ही कुछ हो रहा है बिग बॉस के घर में लाइव सेशन के दौरान। आपको बता दूं, अभी फिलहाल लाइव में बारिश चल रही है और बारिश के मौसम में सभी के सभी कंटेस्टेंट्स को जाम की याद आ रही है। यहाँ पर निशांत ने अपने लॉकडाउन की स्टोरी सुना दिया है कि वेल मैं जब लॉकडाउन में घर के अंदर बंद था तो मुझे तो मिल नहीं रही थी, मैं कितने मुश्किलों के साथ मैं इसको बहुत कॉस्टली मैं खरीद कर अपने लिए रखता था और मैं पीता था। तो वहीं दिव्या कहती हैं, मेरे लिए तो बहुत ईजी था, मेरे फ्लैट के ऊपर नीचे मैं बहुत कंफर्टेबल थी, मैं पूरे दिन यहाँ पर वर्कआउट करती थी और सैटरडे नाइट को बस पार्टी होती थी। तो ऐसे में यहाँ पर सभी के सभी शाम और जाम की बात कर रहे हैं, सभी दिल टूटे आशिक ऐसे नजर आ रहे हैं और शाम और जाम की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल घर के अंदर फिलहाल चल रही है दारू पे जोरदार चर्चा, जिस पर सभी के सभी काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खास तौर पर यहाँ निशांत और दिव्या काफी ज्यादा मूड में नजर आ रहे हैं। वह बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में इन्हें बस जाम की याद सता रही है। ऐसे में निशांत कहते हैं, बिग बॉस प्लीज हमारे लिए कुछ भेज दो, दारू भेज दो, एटलीस्ट हम एंजॉय कर लेंगे थोड़े देर के लिए ही सही। यहाँ पर फुल टू वेल एंजॉय और मूड में नजर आ रहे हैं निशांत। और वहीं पूरी तरीके से आपको बता दूं कि दिव्या भी उनका साथ दे रही है और बाकी सभी कंटेस्टेंट भी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं बारिश के मौसम का। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस चर्चे को लेकर, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। We'll be right back.